खबर इंदौर से है जहां आज बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरकार द्वारा लाए गए बजट के साथ साथ मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्षों की विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बजट पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सहित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और इंदौर सांसद मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट के साथ मध्य प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में चलाई जाने वाली विकास परियोजनाओं के विषय में बताया गया। मध्य प्रदेश के लिए आवंटित किए गए 98,000 करोड़ रुपयों को किन किन योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा, जिस विषय पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। विकास निगम, दिव्यांगता वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, इनके माध्यम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन दे के वो अपने आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और दिव्य कला मेलों की शुरुआत, शिल्प समागम की शुरुआत की गई है, जिसमें उनको आने जाने की सुविधाएं, ठहरने की और प्रदर्शनी के माध्यम से वो अपना सामान बेच सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, ये विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को जो 98,000 करोड़ रुपए का बजट विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करके केंद्रीय करके अनुपात से दिया गया है, इसमें से 29,399 करोड़ कॉर्पोरेशन टैक्स, 33,859 करोड़ रुपया आयकर से, 29,249 करोड़ रुपया सेंट्रल जीएसटी से, 4,322 करोड़ रुपया कस्टम से, 911 करोड़ रुपया केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से, 160 अन्य टैक्स ड्यूटी से और 3 करोड़ सर्विस टैक्स से एकत्रित किया गया है। भोपाल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर में 5 रिंग रोड के साथ साथ और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए कुल 29,710 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए किया गया। NHAI के द्वारा 19,000 करोड़ रुपए की लागत से 28 प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। धार के पीतमपुर में 60 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास की योजना भी बन रही है। उज्जैन के रेलवे से महाकाल मंदिर तक 1.762 किलोमीटर रोपवे के विकास के लिए। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कांग्रेस की सरकार के समय आंध्र प्रदेश की संरचना हुई थी और उस समय जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय जो प्रतिबद्धताएं थी, जो उनको पूरा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। हम तो सबका साथ सबका विकास बराबरी के आधार पर जो है ना उसको करने का काम, उनके काम को करने का काम हमने किया। कोई भेदभाव नहीं, सभी के साथ समानता के साथ में। मैंने बताया कि GST का कलेक्शन राज्यों की जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में सभी राज्यों को बराबरी के साथ उसका आवंटन किया जाता है। और जब किसी भी राज्य के लिए NHAI का पैसा जाता है तो वो एक क्षेत्र के लिए नहीं जाता है, सब राज्यों के लिए जाता है। NHAI बनता है तो कई राज्यों को जोड़ता हुआ जाता है। जब पेयजल की योजना बनती है उस पेयजल की योजना सभी राज्यों के लिए उसका लाभ मिलता है। आवास योजना जब बनती है तो आवास योजना का लाभ सभी को मिलता है। आयुष्मान भारत योजना जब बनती है तो सभी राज्यों को लाभ उसका मिलता है। गरीब कल्याण अन्न योजना बनती है तो सभी राज्यों को उसका लाभ मिलता है। इसलिए ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है कि किसी कहीं किन्हीं राज्यों के साथ में कोई भेदभाव किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा कई सड़क परियोजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा विपक्ष द्वारा बजट पर उठाए जा रहे सवालों पर भी मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि किसी राज्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, यह बजट सभी को साथ लेकर चलने वाला बजट है। वहीं मंत्री ने निवेश, MSP और RSS जैसे कई सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।